बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जॉय ऑफ कुकिंग विद आयशा दलाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। वैसे कि आप जो है हैदरी के स्पेशल जो बोरी दाल चावल थाली है उसकी रेसिपी लेके आए, तो मैंने आज आप लोगों के लिए ये रेसिपी लाई हूँ और इसको स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अच्छा, दाल चावल बनाने के लिए हमने 1 कप धुली हुई मूंग की दाल ली है और इसको जो है हमने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। और 1 ही कप मसूर की दाल ली है, इसको भी हमने भिगो के रखा हुआ था। और 1/2 कप चने की दाल, ठीक है, मूंग मसूर और चने की दाल का ये रेशो है। इसमें हम 4 कप के करीब पानी डालेंगे, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून खटाई पाउडर और 1 टमाटर इसमें डाल के इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं। और 1 टेबलस्पून इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालेंगे। इसको हम गलने के लिए छोड़ते हैं और जो है हम चावल पे आ जाते हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम 1/2 कप के करीब ऑयल डाल रहे हैं, 1 प्याज डालेंगे, इसके साथ ही इसमें 2 तेज़पत्ते डालेंगे। अच्छा, अब हम इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन डाल देंगे। हल्की हल्की प्याज गोल्डन होगी तो, जीरा राइस है तो जीरा डालेंगे हम 2 टेबलस्पून के करीब। हरी मिर्चें 1 से 2 फ्लेवर के लिए। नमक डालेंगे हसबे ज़ौक, जितना आप पसंद करते हैं। और बाहर के जितने भी जो फूड होते हैं उसमें मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है वो चिकन पाउडर डालते हैं या वो डालते हैं अजीनोमोटो, जो भी आपको पसंद हो आप डाल दीजिए। अगर नहीं पसंद, स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अच्छा, चावल डालेंगे हम यहाँ पर। तकरीबन 1/2 केजी चावल मैंने भिगो के रखे हैं। और मैंने हमेशा आप लोगों को ये एक रूल बताया है कि जब भी आप चावल डालें उसका 1.5 गुना पानी डलेगा। अगर आपके 1.5 गिलास चावल हैं तो आप तकरीबन 3 गिलास पानी डालेंगे, ठीक है। या दूसरे उसमें आप ये भी कर सकते हैं, 1 इंच ऊपर आ जाएं चावल के। ये हमारा 1 इंच ऊपर आ गया है। इसको हम पकने के लिए रखते हैं जब तक ये डन हो जाता है। अच्छा, चावल देखें हमारे तकरीबन होने के आ गए हैं। अब हम इसको दम पे रखते हैं, जिस तरह से हम दम वाली आंच पे इसको रखते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से हम इसको दम वाली आंच पे थोड़ी देर छोड़ देंगे। अच्छा, चावल हमने रख दिए हैं। अब इसके बाद हम आ रहे हैं इसकी एक, आपने अगर देखा होगा तो ये लोग अपनी थाली में एक शामी कबाब देते हैं जिसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर होता है। वो कैसे बनती है वो आप देखें। तकरीबन 250 ग्राम्स के करीब हमने चिकन डाली है। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे इसको गलाने के लिए। अच्छा, इसमें साबुत गरम मसाला डालेंगे, जिसमें से मैं ले रही हूँ 2 इलायचियाँ, 2-3 काली मिर्चें, 2 पीस दालचीनी के, 1-2 लौंग ले रहे हैं, ये तेज़पत्ते 2, साबुत धनिया डालेंगे 2 टेबलस्पून, साबुत लाल मिर्चें डालेंगे 3 से 4, जीरा डालेंगे 1 टेबलस्पून, हरी मिर्ची मैं 1 डाल रही हूँ। आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। 1 कप चने की दाल मैंने भिगो के रखी थी वो इसमें डाल रहे हैं। 10-12 जवे लहसुन के, 1/2 प्याज चॉप की भी डालेंगे। 2 आलू डालेंगे, मीडियम होंगे तो 2 डालिएगा, अगर बड़ा हो तो 1 डालिएगा, ठीक है। मैं 2 डाल रही हूँ। इसको उबलने के लिए रखते हैं, इसके बाद अब मिर्चों के उस पर प्रोसेस पे आते हैं। अच्छा, अब जो है हमारे दाल बन गई, चावल बन गए, शामी कबाब हमने चढ़ा दी। अब इसमें जो है वो मिर्चों वाले पकौड़े जाते हैं। इसके लिए मैंने 1/2 कप के करीब जो है बेसन ले लिया है और ये भुना मसाला है जो मैंने अपने चैनल पर पहले भी बताया हुआ है, जिसमें जो है साबुत लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून मोटा कोटा धनिया और 2 टेबलस्पून जीरा। इसको अच्छी तरह से रोस्ट करके और फिर इसको मोटा मोटा पीस लीजिए, ठीक है। ये इसमें जाएगा, तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। नमक जाएगा इसमें हसबे ज़ौक, 1/2 टीस्पून में डाल रही हूँ। हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून, थोड़ी सी कसूरी मेथी मैं पकौड़ों में डालती हूँ। वैसे मैंने बहुत तरह के पकौड़े जो हैं वो रमज़ान में भी सिखाए हैं अपने चैनल पे, अगर आपसे मिस हो गए हैं तो आप वो देख सकते हैं। अच्छा, इसका हम अच्छा से घोल बना लेंगे, गाढ़ा घोल बनाएंगे, बहुत पतला नहीं बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जो है मैंने 1 आलू ले लिया है बॉइल और मैश किया हुआ, और इसमें जो है मैं डालूंगी तकरीबन 1/2 कप के करीब बॉइल एंड श्रेडेड चिकन। 1/2 टीस्पून के करीब बस नमक डालेंगे, हल्का सा 1 पिंच जो है इसमें हम गरम मसाला डालेंगे, 1 पिंच चाट मसाला डालेंगे, 1 पिंच जो है वो खटाई पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। ये हम जो है मिर्चों में भरेंगे और मिर्चों में भरने से पहले इसका एक मिर्चों का मसाला बनता है, वो हम बनाएंगे खट्टा मसाला। मिर्चों में इस तरह से चीरा करेंगे, इसमें जो है हमारा खटाई का मसाला डालेंगे। इस तरह से हम सारी मिर्चें जो है चीरा करके रख देंगे
और खटाई मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 टीस्पून के करीब जो है वो चाट मसाला है और 2 टीस्पून खटाई पाउडर है। उसके साथ ही जरा सा नमक लेंगे, 1/4 टीस्पून नमक है, और थोड़ा सा हम इसमें जो है वो नींबू का जूस लेंगे, इतना कि ये एक पेस्ट बन जाए। एक खट्टा सा मसाला तैयार हो गया। अच्छा देखें, हम इसको इस तरह से हमने चीरा लगाया है। अब हम इसमें जो है, अगर आपको तीखा नहीं पसंद तो आप बेशक जो है इसके बीज हटा दीजिएगा, ठीक है। इसमें हम ज़रा सा ये खटाई डालेंगे, हल्की सी डालेंगे, फिर इसके अंदर हम ये हमारी जो चिकन और आलू की स्टफिंग है ये डालेंगे, ठीक है। ये डालकर और इस तरह से हम सब तैयार करते हैं। यहाँ पे हमारा पकौड़े का बैटर तैयार है, इसको हम डिप करके और उसमें डालेंगे। इस तरह से हम इसको कोट करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये कलर दोनों साइड से चेंज हो जाएगा तो निकाल लेंगे। अच्छा देखिए, आपने देखा होगा, जो लोग गए होंगे वहां पर उन्होंने देखा होगा, वो दाल चावल के साथ ना एक पापड़ी देते हैं फ्राई की हुई, ठीक है। तो ये समोसे की पट्टियां होती हैं, इनको आप फ्राई कर लें। हमारे ये भी तैयार हो गए। अब हम शामी कबाब हमारे फ्राई करते हैं। मिर्चें हो गई, शामी कबाब हो गई, चावल हो गए, और दाल को बस अब तड़का करना है और डिश आउट करते हैं। अच्छा, इसमें हम जरा सा धनिया डालेंगे। ये हमने शामी कबाब का मिक्सर हो गया था, हमने इसको पीस लिया है। इस तरह से इसको हम इसमें जरा सा, अगर आपको गरम मसाला डालना है पिसा हुआ खुशबू के लिए, तो इस स्टेज पे आप डाल सकते हैं। मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। अच्छा देखें, इसकी जो कबाब होती हैं वो नॉर्मल कबाब से थोड़ी सी बड़ी होती हैं, ठीक है। हथेली की साइज की कबाब होती है जो वहाँ पे मिलती है। इस तरह से हम ये एक कबाब ले लेंगे। ये अंडे में डिप कर हमने इसको अच्छी तरह से लपेट के, और इसको हम फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हमारे अच्छे से जो है कबाब भी बन गए हैं। अब हम इसको जो है डिश आउट करते हैं, और आखिरी जो चीज़ हमारी रह गई है वो दाल का तड़का है। दाल देखते हैं, उसका तड़का बनाते हैं और आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल हमारी तैयार हो गई है, मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। और ये हमने जो है तड़का बनाया है, इसके लिए हमने लिया है 1/2 कप ऑयल, कड़ी पत्ते, लहसुन, प्याज मैंने ली थी 1/2, ठीक है, हरी मिर्चें 3 से 4, जीरा और 2-4 लाल मिर्चें। ये दाल देख लें, ये दाल वैसे उनकी जो होती है थोड़ी सी चंकी होती है, चने की दाल थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही होती है, लेकिन मुझे इस तरह की पसंद है इसलिए मैंने ये बनाई है। बस ये देखेंगे हो गया हमारा। अब हम ये इसमें डाल रहे हैं। चलिए अब हम हमारी थाल बनाते हैं। लास्ट में हम हल्का सा धनिया डालेंगे और ये गरम मसाला 1/2 टीस्पून। देखिए हमारी दाल कितनी टेम्पटिंग बनी है, और इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर लें। अब हम हमारी थाल बनाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मैंने जो है पर्सनली इस तरह पसंद करती हूँ मैं, हर चीज़ अलग अलग, लेकिन वहाँ पर जो देते हैं वो जिस तरह से देते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, ताकि आपको दोनों का अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। वो लोग इस तरह से देते हैं, और उसमें जो है यहाँ पे ये लोग हर चीज़ रख के देते हैं। ये हमने क्रंच थोड़े से बनाए हैं, ये साइड पे हम डालेंगे। ये अचार है, ये मेरा घर का अचार है जो मेरा बहुत ज़्यादा चलता भी है और लोग बहुत पसंद करते हैं इसको। ये हमारी शामी आ गई, ये हमारी मिर्चें आ गई, ये यहाँ पे हम चाट मसाला थोड़ा सा डालेंगे, सैलेड। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मुझे कमेंट कीजिए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Thank you.